don't have glitter glue, then don't worry, I'm going to share with you an amazing kind of a hack. Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing well and welcome back to my channel. So this video is all about eye glitters. ठीक है, आइज के ऊपर जो है डिफरेंट तरह के ग्लिटर्स हम यूज़ करते हैं उनके बारे में बात करेंगे और बड़ी अफोर्डेबल रेंज में आपके साथ शेयर करूँगी जो बहुत ईजीली आपको मिल सके. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आई ग्लिटर्स जो है ना वो आंखों पर लगे बहुत प्यारे लगते हैं, और अगर आपने मैट सी लुक क्रिएट की है ना उसके ऊपर आप थोड़ा सा ग्लिटर लगा दें तो आपका आई शेडो कम्प्लीटली इन्हेंस हो जाता है और बहुत प्यारी सी लुक देता है. और स्पेशली मेहंदी के फंक्शन पे और नाइट इवेंट्स पे जो ग्लिटर्स हैं ना आइज़ के ऊपर वो बहुत कमाल के लग रहे होते हैं. तो मुझे आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा शौक चला था ग्लिटर्स लेने का, तो मैंने कुछ ग्लिटर्स भी ले लिए और मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो भी बना दूँ. आई एम गोइंग टू शो यू दिस वन बाय रिवाज यूके. अच्छा, ग्लिटर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं आई ग्लिटर्स की. ठीक है, कुछ क्रीमी ग्लिटर्स होते हैं, कुछ बिल्कुल डस्टी ग्लिटर्स होते हैं, और कुछ जो है ना वो आई शेडो की फॉर्म में लिक्विड की फॉर्म में ग्लिटर्स होते हैं. ये तीन फॉर्म्स हैं. ठीक है, और तीनों को जो है ना यूज़ करना आपको बताऊँगी. फर्स्टली वी हैव दिस वन रिवाज का, ये है ट्विंकलिंग आई शेडो पैलेट, सॉरी आई शेडो ग्लिटर. ये मैं आपको दिखाती हूँ, इट इज़ इन द शेड नंबर 01. असल में मैं इनकी आउटलेट पे लेने गई थी तो मुझे जो है ना सिर्फ 5 या 6 कलर्स पड़े थे जिसमें से मुझे सिर्फ ये अच्छा लगा था, वरना मैं और ले लेती. 106 शेड मैंने पसंद किया हुआ था. ऑनलाइन मैंने काफ़ी शेड्स पसंद किए थे लेकिन उनके पास अवेलेबल नहीं थे. खैर मैं ये वाला ले आई 01, ये भी बहुत प्यारा शेड है. इसकी प्राइस जो थी ना वो 210 थी, ऑलमोस्ट 210 थी, और बहुत अफोर्डेबल और रीज़नेबल है ये. इसको खोल के देख लेते हैं, मैं आपको इसको दिखाती हूँ अभी. इसकी पैकेजिंग बहुत आउट क्लास है, अंदर से देखें मतलब ये ऊपर से गोल्डन नीड इसका बहुत अच्छा लग रहा है. इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है. इसका कलर मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल लाइट सा कलर है इसका, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा था. इसको ओपन करके देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मुश्किल है खोलना. और ये बिल्कुल डस्टी ग्लिटर है, जब आप इसको खोलते हैं ना तो अभी तो खैर इसको मैंने कवर इसका ये जो ऊपर से इसको ओपन ही किया वरना ये हर तरफ उठता है. तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल डस्ट की फॉर्म में ग्लिटर्स होते हैं, इसके साथ कोई क्रीम नहीं होती. ठीक है, आपको जब भी इसको अप्लाई करना है ना आपको सेपरेटली कोई आई ग्लिटर को यूज़ करना पड़ता है, सॉरी आई ग्लू को यूज़ करना पड़ता है. ग्लिटर ग्लू जो अक्सर जो है ना वेबसाइट्स पर मिसोज की भी अवेलेबल है उसको यूज़ करना पड़ता है, फिर आप जो है ना इसको अपनी आइज़ पे लगाइएगा, अदरवाइज आपके पूरे फेस पे स्प्रेड आउट हो जाएंगे और वो उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, इसको मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ. इसका कलर बहुत प्यारा है, जस्ट वेट, लुक एट द कलर, ये बहुत प्यारा सा कलर. मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ. ओके, एज यू गाइस कैन सी कितना अच्छा लग रहा है लगा हुआ. इसको लगाने के लिए जो है ना आप ग्लिटर ग्लू का यूज़ करें. इफ़ यू डोंट हैव ग्लिटर ग्लू तो आप लोग जो है ना कंसीलर का भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ आई प्राइमर्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन मैं जो हूँ ना कंसीलर की हेल्प से इसको लगा लेती हूँ. लेट मी शो यू हाउ. थोड़ा सा हम कंसीलर लेंगे, कोई सा भी कंसीलर ले ले, ये तो मिस रोज का कंसीलर है. यहाँ पर मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ. ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा कंसीलर लिया, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि आँखों के ऊपर जो है ना हमारा बिल्कुल थोड़ा सा ही कंसीलर लगेगा, इतना ज़्यादा लगेगा नहीं. तो इसको मैं स्प्रेड आउट कर लूँगी जस्ट लाइक दिस. ठीक है, एज यू गाइस कैन सी इसके ऊपर अब मुझे वो अप्लाई करना है. मेरे पास ब्रश नहीं है, ब्रश में लाना भूल गई हूँ दूसरे रूम से, बट इट्स ओके, मैं अपने हाथ से लगा कर दिखा देती हूँ. दीदी एस यू गाइस कैन सी, आप इसको डैब डैब कर कर लगाना है. ठीक है, इसको इस तरह ड्रैग करेंगे ना तो ये बिल्कुल स्टिक नहीं होगा. आपने अच्छी तरह इसको डैब डैब करके ना ब्रश से, ब्रश की हेल्प से तो अप्लाई करना है. एस यू गाइस कैन सी ये कितने अच्छे से स्टिक हो गया है और ये अब रिमूव नहीं होगा, मतलब बिकॉज हमने इससे पहले कंसीलर अप्लाई किया है. तो ये बड़ी अच्छी सी एक हैक है. ठीक है, हैक समझ लें तो इससे आपका मेकअप जो है ना ये डस्टी ग्लिटर्स बिल्कुल रिमूव नहीं होंगे, आपको सेपरेट से ग्लू लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इसका कलर आप लोग चेक कर लें, ये बहुत अच्छा कलर है. ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड वन, नेक्स्ट आई हैव दिस क्रीमी ग्लिटर बाय क्रिस्टीन कॉस्मेटिक्स. ठीक है, और इसके अंदर जो है ना ऑलरेडी क्रीम एडिट होती है, आपको अलग से इसको अप्लाई करने के लिए कोई भी ग्लिटर ग्लू या कोई और हैक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. ये ईजीली जो है ना आपके आइज़ के साथ स्टिक ऑन कर जाते हैं और रिमूव नहीं होते. इसका जो मेरे पास शेड है वो है गैलेक्सी 07. एज यू गाइस कैन सी ये क्रीमी ग्लिटर्स है, नॉन क्रीमिंग इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, लेकिन वो थोड़ा सा पेज मतलब लगा हुआ था पीछे. इसको खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ. मुझे ये सारे ग्लिटर्स जो है ना ये मैंने ट्राई करके लिए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मैंने जो है ना ऑनलाइन परचेज किया, इसलिए मुझे जो अच्छा लगा मैं ले आई हूँ. खैर इसको ओपन करके देख लेते हैं.
सब कैमरे के सामने कुछ भी ओपन नहीं होता, पता नहीं क्यों ओपन हो ही गया। इसको मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ, इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ, तब आप लोग को आइडिया हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा लूँगी और ये कुछ इस तरह का है, अब आप लोग देख सकते हैं ये बहुत प्यारा सा कलर आंखों पे लगा हुआ, बहुत प्यारा 3D सा इफेक्ट देता है ये, ठीक है। और सनलाइट में भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत प्यारा 3D सा इफेक्ट देगा। ये भी मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखा देती हूँ, यू गाइस कैन सी, ये दोनों बहुत प्यारे हैं। और ये जो क्रिस्टल वाले हैं ना, वो तो बहुत ही डिफरेंट सा कलर है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर ना छोटे छोटे चंक्स भी हैं, अब आप लोग को आइडिया हो रहा होगा। दिस इज द एग्जैक्ट कलर ऑफ बोथ द ग्लिटर्स, जस्ट वेट, देख सकते हैं आप लोग कितने प्यारे कलर लग रहे हैं दोनों ही। और ये क्रिस्टीन वाला जो है ना, ये तो बहुत प्यारा कलर है। ओके सो मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वन, जो थर्ड वाला ग्लिटर है ना, वो भी बहुत प्यारा ग्लिटर है, वो बिल्कुल एक आईशैडो की फॉर्म में है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम रिवाज, उनका डेजलिंग शिमर है, इसका शेड है शेड नंबर 13, और ये भी बहुत प्यारा शिमर है। ये जो है ना बिल्कुल आई शेडो की फॉर्म में आते हैं, आप लोगों ने बस इसको लेने है और जस्ट आई लाइनर की तरह आप लोगों ने इसको जो है ना अपने अपनी आईज पर अप्लाई कर लेना है। तो ये मैं आपको ओपन खोल कर दिखा देती हूँ, ये भी बहुत प्यारा ग्लिटर है, काफ़ी ज़्यादा इनकी शेड रेंजेस है। अच्छा रिवाज की जो HD के ग्लिटर्स है ना, वो भी बहुत कमाल के, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो जो है ना आप लोग यही ले सकते हैं, बहुत रिजनेबल है। इसकी प्राइस भी 250 थी, इसकी 210 थी, और इसकी प्राइस आई गेस 400 समथिंग थी, ये 450 का आई गेस, दिस वन इज फॉर 450 रुपीज़। ये मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ, ओके ये कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है, डेजलिंग शिमर, इसके ऊपर लिखा हुआ इट्स बाय रिवाज, इसको खोल कर दिखाती हूँ। ओके आप देख सकते हैं, ओके इसको अप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने रिवाज वाला जो है ना अप्लाई किया था, इधर हमने क्रिस्टीन का अप्लाई किया था, और लास्टली वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस वन बाय रिवाज, और ये इनका शिमर डेजलिंग शिमर ग्लिटर है, आई शेडो है, इसको मैं अप्लाई करती हूँ। इसकी पिगमेंट सबसे ज़्यादा है, एज यू गाइस कैन सी, दैट्स वाई इट्स लिटिल बिट एक्सपेंसिव देन अदर टू, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ये तीनों ग्लिटर डिफरेंट फॉर्म के हैं और तीनों का अलग रिजल्ट है, अलग पिगमेंट है, ठीक है, और प्राइसेस भी अलग हैं। आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं आपको कहूँगी कि क्रिस्टीन वाला तो ये वाला शेड ज़रूर ले ले, और ये जो शेड है ना, ये डेजलिंग शिमर वाला, ये जो है ना इसको अप्लाई करना थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। या तो आप इसको थोड़ा सा अप्लाई करके स्प्रेड आउट कर लें आपके ऊपर, या अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। ये सारे कलर्स बहुत बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई और ग्लिटर्स पसंद है किसी और ब्रांड के, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ठीक है। आप लोग की चॉइस क्या है, ताकि मुझे भी आइडिया होता रहे कि वट यू गाइस प्रेफर, वट यू गाइस लाइक, ठीक है। ओके जी, अब आप लोग तीनों ही शेड्स को देख सकते हैं कि तीनों का पिगमेंट, तीनों का कलर्स और तीनों का स्टाइल भी डिफरेंट है, ठीक है। तीनों जो है ना वो डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, ऑल दो दीज टू आर फ्रॉम सेम ब्रांड्स, लेकिन कंसिस्टेंसी सबकी डिफरेंट है, ठीक है, फॉर्मूला सबका डिफरेंट है। क्रिस्टीन वाला तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज इसका बिल्कुल 3D सा इफेक्ट आ रहा है ना, और बात होती है, लेकिन आपकी आई शेडो पैलेट्स के अंदर भी ना काफ़ी बार ग्लिटर्स होते हैं और हमें पता नहीं होता, या हम उनको शायद उस तरह यूज़ नहीं कर रहे होते। लाइक इफ़ यू गाइज हैव दिस पैलेट बाई रिवाज, यू के फैंटेसी आई शेडो पैलेट, और आई नो ये काफ़ी लोगों के पास होगी, 50% लोगों के पास तो ये होगी ही होगी। इसके टोटल 4 शेड है, कोई भी शेड होगा आपके पास, मेरे पास 01 शेड, और इसके अंदर भी जो है ना वो क्रीमी ग्लिटर कह सकते हैं आप लोग एडिड है, जस्ट लाइक दिस। ये बहुत अच्छा सा क्रीमी वेलवेटी सा ग्लिटर है, इसके अंदर इसका पिगमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा वन इज़ दिस वन, अदर इज़ दिस वन एंड दिस वन, इसके अंदर 4 शेड जो है ना ये वाले मैट के हैं, और बल्कि 5 शेड जो है ना ये क्रीमी है, ये भी मुझे लगता है ग्लिटर है, येस थोड़ा सा शिमरी शेड है, नॉट कम्प्लीटली ग्लिटर, बट दीज 4 आर ग्लिटर्स, ठीक है। ये वाला बहुत अच्छा कलर है, अगर आपके पास ये वाली पैलेट है ना, तो उसके अंदर कोई ना कोई कलर क्रीमी ग्लिटर ज़रूर होगा। आप लोग अप्लाई करके देखें, आप लोग उसको जो है ना एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सो सेकेंड वन मैं आपको दिखाती हूँ, एक ग्लैमर फेस की पैलेट, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना उन्होंने बाहर लिखा भी हुआ है कि इट हैव 24 मखमली आई शेडो पैलेट और 24 मैट आई शेडो। तो इसके अंदर 24 जो है ना वो आई शेडो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल क्रीमी और बहुत अच्छे हैं, जस्ट लाइक लुक एट दिस पैलेट, ये कलर बहुत अच्छा है, बिल्कुल वेलवेटी सी फील है। ये वाला भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं 24 इसके अंदर जो है ना, दिस दीज 24 जो है ना
ये बिल्कुल वेलवेटी सी मतलब क्रीमी से ग्लिटर्स है, आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये पैलेट भी है। अगर आपके पास कोई और आई शेडो पैलेट भी है ना, उसके अंदर भी ज़रूर जो है ना ये ग्लिटर्स वगैरह अवेलेबल होंगे। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाली पैलेट तो बहुत अच्छी है, मतलब कमाल की है। इसके अंदर ब्लश ऑन भी बहुत ज़्यादा है, एक ब्लश ऑन मेरे से टूट गया था थोड़ा सा, तो मैंने उसको सेपरेट जो है ना एक कंटेनर में ऐड कर लिया, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती थी। इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, ये बहुत अच्छा कलर है। एज यू गाइस कैन सी द नेक्स्ट वन इज दिस, ये ऑरेंज शेड और ये ग्रीन वन, ये देख लें। ये भी मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखा देती हूँ, ये बहुत प्यारे हैं सारे ही कलर्स। अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा अबाउट ग्लिटर्स। ये बड़ी मिनिमल सी वीडियो थी, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।